हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं वंदना। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूं एक सीट मास्क। ये है नाइका स्किन सीक्रेट मेड इन कोरिया एंड अनमास्क रोज प्लस गोट मिल्क फॉर नरिश्ड एंड रेडियंट स्किन। ये आपकी स्किन को बहुत ही नरिश करता है, बहुत मॉइस्चराइज रखता है। और इसके जो बैक साइड में इसका इंग्रेडिएंट्स कॉशन सब इंस्ट्रक्शन दिए हाउ टू यूज, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, मतलब वॉश कर सकते हो। एंड सेकेंड, आप जब इसको अप्लाई करेंगे फिर 15 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे चेहरे पर, और आफ्टर 15 मिनट आप जो सीरम आपके स्किन पे रह जाएगा उसके साथ आप उसके मसाज कर सकते हैं। और इस पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही यू नो स्किन फ्रेंडली है। रोज एंड गोट मिल्क शीट मास्क रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ फ्लावर्स, रोज लॉक डाउन द मॉइस्चर एंड हेल्प टू रिड्यूस स्पॉट एंड डिकलरेशन, प्रोवाइडिंग यू विद नेचुरल रेडियंस, वाइल द एवर नर्सिंग गोट मिल्क दैट इज लोडेड विद विटामिन B12 एंड V1 दैट एक्ट्स एज अ लाइफ सेवर फॉर अ ड्राई सेंसिटिव स्किन by providing much needed hydration and revealing a glowing complexion. मैंने अपने फेस को पानी से एकदम साफ कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे यू नो कर दिया है, वहाँ यहाँ से आप इसको यू नो फाड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे, इसमें एक शीट मास्क रहती है, जो इसका एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा ऐसे साफ कर लें। इस तरह की यू नो शीट है, बहुत थिन नहीं है, इसका मटेरियल भी यू नो ठीक है। इस तरह इसको हम खोल के इस तरह से हम अपने नो फेस पे अप्लाई कर लेंगे इसको। देखिए बहुत ही सीरम है इसमें जो मेरे हाथों से भी गिर रहा है। इस तरह से हम इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। और ये काफी बड़ा मास्क है जो आपके पूरे चेहरे को भी कवर कर रहा है। इस तरह इसको हम 10-15 मिनट 15 मिनट तक, इसमें काफी सीरम यू नो बच जाता है। आप चाहो तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं, नेक्स्ट डे लगा लीजिएगा फ्रिज में, ये रख सकते हैं इसको। तो इसमें काफी यू नो सीरम दिया होता है, काफी सफिशिएंट। कि 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको निकालती हूँ, और आप बताइएगा कि मेरी स्किन पे ग्लो आया या नहीं। तो यू नो जो थोड़ा सा बचा है उसको आप हल्के हल्के हाथों से यू नो ऐसे मसाज करें, और इसे फिर से चेहरे पे सूखने दें। अगर आपको इसके बाद एकदम से मेकअप करना है तो आप इसको टिश्यू या कॉटन से थोड़ा साफ कर सकते हैं, उसके बाद ही यू नो मेकअप करिएगा। और देखो कितनी प्यारी स्किन हो गई मेरी। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो ऐसी किसी भी ब्रांड की ऐसी शीट मास्क जो है आप जरूर अप्लाई करें, और इससे आपकी जो स्किन है एकदम ग्लोइंग सी लगेगी। तो आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।